ओके तो यार आज की वीडियो में यार देखो फर्स्ट ईयर की कुछ स्टोरीज कुछ ऐसी मेमोरीज वगैरह वो सारी चीजें मैं आज थोड़ी सी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। यार आज हुआ क्या कि यार गैलरी मैंने खोल के देखी तो यार वहां पे ये सारी क्लिप्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार तुम्हारे सबके साथ शेयर करते इसे तो अच्छा रहेगा ना। तो खैर वो जो क्लिप्स थी तो मैंने उस काफी पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी थी कि एलमे का वीडियो इन फ्यूचर, तो बट उस टाइम टाइम नहीं मिला मेरे को, तो मैंने कहा आज ही बना देते हैं। और वो जो सारी ऑलमोस्ट जो क्लिप्स हैं वो हरमन के प्राइवेट इंस्टाग्राम से मैंने लिए हैं, तो क्रेडिट फॉर दोस क्लिप्स गोज टू मिस्टर हरमन। तो थैंक यू हरमन। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है? All we need is one night in Dubai. तो यार देखो IIIT में होता क्या है कि ब्रेकफास्ट की टाइमिंग स्टार्ट होती है 7:30 से, 7:30 से चलता है 9:30। अब होता क्या है कि जो हॉस्टलर्स बंदे होते हैं ना, तो वो तो एक तो देखो मेनली जितने भी हॉस्टलर्स होते हैं वो तो ब्रेकफास्ट करने जाते ही नहीं, क्योंकि जो हॉस्टलर बंदा होता है ना वो तो कैंटीन में ही 4-5 बजे तक घूमता रहता है रात में, ठीक है? तो फिर भाई जो बंदा ऐसे 4 बजे तक घूम रहा है तो ऑब्वियस सी बात की वो सुबह उठ नहीं पाएगा, दिक्कत होगी उसे उठने में, तो ये सीन चलता रहता है। वहीं दूसरी साइड जितने भी डे स्कॉलर बंदे हैं ना वो भाई एकदम पूरा वेल मेंटेन्ड होके आते हैं, एकदम प्रॉपर शूज प्रॉपर ड्रेस और एकदम जेल वेल सब अच्छे से लगाते हैं। वहीं भाई हॉस्टलर बंदा है वो बंदा क्या करेगा, अगर सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करने जाना है ना, उसे 9:25 के अलार्म लगाएगा, उठेगा तुरंत ब्रश ब्रश मारा चढ़ा है जल्दी जल्दी तुरंत वह खड़ा हुआ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ना उसके बाल वाल कुछ संभले हैं ना कुछ, एकदम लग रहा है कि पता नहीं कौन सा प्राणी आ गया है दूर से दिखता है हाफ लोअर में चप्पल पहनी बस निकल लिया, तो ये सीन रहता है। तो यार यूजली जो हॉस्टलर्स होते हैं वो ब्रेकफास्ट करते नहीं है, मतलब होता क्या है कि यार जैसे कोई दिन ऐसा आता ना कि हमने टाइम टेबल देखी और पता लगा कि अभी नेक्स्ट डे तो मस्त ब्रेकफास्ट मिलने वाला है, तो सबको बता दिया कि भाई नेक्स्ट डे में को उठा दियो पक्का और चलेंगे, सब चलेंगे साथ में। तो ऐसा सीन आता है, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ अभी, ये देखो। उठ जा भाई, उठ जा, उठ। अरे वो ये उठ जा भाई, चीज तो बॉस से मिली उठ जा है। मेरे भाई, उठ जा भाई, तू उठ जा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो यार तुमने ये जो क्लिप देखी ना भाई, इसमें सीरियसली यही सीन हुआ है कि ब्रेकफास्ट करके आओ फिर से सो जाओ फिर 12-1 बजे उठो, तो ये सीन चल रहा है भाई। और यार नेक्स्ट एक मस्त क्लिप दिखाता हूँ। होता क्या है कि यार जो डे स्कॉलर होता है उस जो डे स्कॉलर बंदा है ना उसे हॉस्टल में रुकने की बड़ी चुल होती है, तो मतलब जब होता है ना कभी कभी कि यार मतलब हम लोग ना ऐसा एक दिन डिसाइड कर लेते कि आज तो बस फन करेंगे बस इसके अलावा कुछ नहीं, तो भाई अब जैसे कुछ बंदे होते हैं जो हमारे दोस्त हैं वो डे स्कॉलर भी होते हैं, तो डे स्कॉलर को क्या करा, रुका लिया हॉस्टल में जैसे तैसे कुछ बहाने वाने मार के गार्ड वार्ड से कुछ मतलब जैसे तैसे करके जुगाड़ वगाड़ लगा के रुका लिया। फिर भाई कहीं पिज्जा मंगा रहे हैं भर भर के, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा रहे हैं भाई, इतने मजे चल रहे हैं। तुम्हें ये वाली क्लिप दिखा दो मजा आएगा, खैर मैटर थोड़ा सा हाई हो रखा था बट कोई नहीं चलता है इतना। तो यार यूजली व्हाट हैपेंड कि यार अगर तुम कैंटीन जा रहे हो ना अराउंड 2-3 बजे, तो उस टाइम पे अराउंड 30 मिनट तो तुम्हें स्पेंड करने ही होंगे, तुम्हें अगर एक पराठे भी ऑर्डर कर रहे हो ना तो तुम्हें 30 मिनट में रुकना पड़ेगा यार, इतना ज्यादा टाइम लगता है, इतनी ज्यादा भीड़ होती है भाई रात में, तो बंदे एकदम भरे पड़े होते हैं कैंटीन में। तो भाई हम लोगों ने क्या सोचा कि यार पैसे वैसे मिला के एक खरीद लेते हैं कुकर, वहीं पे मैगी वैगी बना लिया करेंगे और कभी कभार एग्स वगैरह बॉयल करने के लिए हो जाएंगे। तो फिर क्या खरीद लिया, ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने भाई, फिर पता लगा कि अबे मतलब लाएंगे कैसे, रूम तक कैसे लाएंगे भाई, गार्ड चेक करेगा कि ये क्या है,
ऐसी चीजें हॉस्टल में अलाउड नहीं होती है। बट भाई फिर क्या, कुकर आ गया भाई, उसे बैग में भर के ला रहे जैसे तैसे छुपा के ला रहे गार्ड से, मतलब समझ लो कुछ ऐसे पानी वानी बना के रूम तक उसे ले आए फाइनली। फिर क्या भाई, मैगी वैगी बनाना स्टार्ट। अब जब मैगी बन गई फिर, अरे हाँ तुमने वो मैगी वाली वीडियो देखी होगी, बिंग ट्रिपल आईडीन पे जाना, फर्स्ट वीडियो थी मैगी, मतलब कि हॉस्टल मतलब कि 5 मिनट में कुछ फटाफट चीजें कैसे तैयार करें। ऑयल वाली चीजें बनाने के लिए ये ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, मतलब ये स्टिक नहीं करेगा उतना। ये बॉयल और ये इसके मसाले वगैरह रखें, तुम इसमें कुछ में कुछ भी पता नहीं लगने वाला है। ये अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और काफी ज्यादा लाइक्स आएंगे तभी हम इसका सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं, उसमें आपको हम और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बनानी सिखाएंगे। तो आज जो है तो वो थी उसका पार्ट टू, बंदे डिमांड करते रह गए, आज तक वो वीडियो नहीं आया इसका पार्ट टू। तो यार अब देखो होता क्या है, मैगी बनने के बाद धोने वोने का टाइम आता है, तो भाई धोने के टाइम पे क्या क्या हम लोग पता क्या करते हैं, एक बंदा वहां पे धोएगा और दूसरा बंदा वहां पे छुप छुप के देख रहा होता है कि गार्ड ना आ जाए। मतलब सीरियसली यार क्या दिन होते थे वो, आई एम मिसिंग दोज डेज सीरियसली। तो मतलब एक बंदा छुप छुप के देख रहा है कि भाई गार्ड ना आ जाए, क्योंकि अगर उसे पता लग गया ना गार्ड को तो वो कुकर उठा के ले जाएगा और तुम्हारा नाम लिख के ले जाएगा कि यार ये बंदा कुकर यूज करता है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो जब मैगी वगैरह बन रही होती है तो बीच में हम लोग ये काम भी कर लेते हैं, देखो तुम शिट शिट शिट, मतलब सीरियसली आई नो दिस इज स्टूपिड बट यार बचपन की याद आ गई। मतलब सीरियसली मैं तो बचपन में भाई यही चीजें करता था, मतलब जो एक नई चीज आती थी उसके अंदर ये चीज मिल जाती थी, छोटे छोटे बवाल होते ऐसे पट पट कर रहे होते तो मजा आता है यार सीरियसली, मतलब मजा मिलता है फिर कुछ भी हो स्टूपिड है बनी रहे। बता ना यार किसी ने ये चीज करी है बचपन में तो पक्का करी होगी आई एम श्योर। और यार मतलब सीरियसली ना इतना ज्यादा अभी मजे वजे चलते रहते। खैर अभी मेरे पास इतनी ज्यादा क्लिप्स नहीं है, आई विल अरेंज दोस क्लिप्स फ्रॉम समवेयर, तो तब मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाऊंगा और ऐसे स्टोरी टाइप वीडियोस मैं और कोशिश करूंगा कि और वीडियोस आए। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, डोंट नो हाउ यू फील, लाइक हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तो आई डोंट नो, मतलब फिर भी मैंने ट्राई करा कि यार चलो बनाते हैं एक, है ना। और खैर और वीडियोस आ रहे हैं काफी अच्छे अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तब ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए तुम्हें, ठीक है। बाकी बस आज के लिए बस यही वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। जल्दी से मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय। Just joshing, I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. I could put the ball in it.